नगर निगम द्वारा गोरखपुर शहर में मंगलवार को पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गोरखपुर में हरियाली बढ़ाने के लिए नगर निगम 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसकी शुरुआत शहर के हरिओम नगर तिराहे पर सड़क किनारे महापौर सीताराम जायसवाल के हाथों वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह एवं नगर निगम के चीफ इंजीनियर सुरेश चंद्र ने भी वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि हमारी सरकार योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में पौधे लगाने का निर्णय लिया है। पौधा हमारे जीवन का अंग है, पौधा नहीं लगाएंगे तो सांस लेना दुभर हो जाएगा। इसी अभियान के तहत पूरे शहरी क्षेत्र में पौधा लगाने का अभियान शुरू किया गया है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर गोरखपुनी से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, देखिए हमारी सरकार योगी जी की सरकार ने निर्णय किया है उत्तर प्रदेश में पौधे लगाने का। पौधा हमारे एक जीवन का अंग है, ये आज की आवश्यकता है। और वायु प्रदूषण जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर हम लोग पौधा नहीं लगाएंगे तो सांस लेना दूभर हो जाएगा। इसी अभियान के तहत नगर निगम ने भी पूरे शहरी क्षेत्र में पौधा लगाने का अभियान शुरू किया है और हम लोग तत्काल अभी 25,000 पौधों का लक्ष्य रखे हैं। सिटी के अंदर और बाहर भी हम लोग पौधे लगाएंगे और अपने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने में ये पौधे हमारे बहुत ही मील का पत्थर साबित हो गए। हमारी सरकार चाहती है, हमारी मोदी जी चाहते हैं, हमारे योगी जी चाहते हैं कि पौधे लगाकर हम वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाएँ। ये एक जनहित में कार्य है और हम लोग इसको बड़े पैमाने पर करेंगे।